بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين قل ان صلاتي ونسكي ومحيا जब हम ये बात सोचते हैं कि हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं और हमारी जिंदगियां और हमारी मौत अल्लाह इज़्ज़त के लिए है तो ज़िंदगी क्या है हमारे औकात का मजमू और औक़ात में हम क्या कर रहे होते हैं आमाल कर रहे होते हैं हम काम कर रहे होते हैं और काम के अंदर हम जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी सलाहियतें अपने आजा अपना इर्द गिर्द माहौल से कोई भी जो बेनिफिट जो अल्लाह ने हमें तोफ़ीक दी है उस सब के अंदर हम सब का मत नज़र होना चाहिए कि अल्लाह रब्लम के लिए हम बात कर रहे थे जिस्मानी सेहत पर और जिस्मानी सेहत अल्लाह की अतात के लिए अपनी ज़िंदगी और मौत को उसकी खुशनुदी और उसकी खुशी और रज़ा के मुताबिक जीने के लिए बिताने के लिए कितनी ज़रूरी है और उस में इसकी सेहत इसकी सफाई इसके ख़्याल को इस नीयत से इसको संभालना कि अल्लाह इज़्ज़त की अतात के कामों में हम इसको, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जिसमानी सेहत की और मुख्तलि अज़ा की और मुख्तलिफ अजा में आज हम बात करेंगे इन कानों पर चेहरा चेहरे में हमने आँखें बाल और ओवरऑल चेहरे की सफ़ाई पर इनशाला बात करेंगे जिस तरह से कान हमने बज़ाहिर देखने में हमें नज़र आते हैं कि सुनने का काम देते हैं नाक के बारे में भी जैसे हम लोग जानते थे कि बस हम सांस लेते हैं लेकिन उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं इसी तरह कानों का भी सुनने के अलावा भी अल्लाह ने हमारे जिसम में इसके बहुत सारे फंक्शंस रखे हैं बहुत सारे काम हैं और एक बहुत मेन काम सुनने के अलावा जो है वो हमारा बैलेंस कायम रखना है हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है हमारे कानों की वजह से एज के साथ साथ कानों का साइज़ बढ़ता है वो तीन अजा जिनकी अल्लाह ताला कयामत के दिन नेमत के बारे में पूछने की और सवाल की बात करते हैं उनमें से हमारी समात भी शामिल है और सबसे पहले समात यानी कानों का ज़िक्र है वल बसारा वल्फुआजा ये तीन अजा ऐसे हैं कि जिनके बारे में अलग से हमें ये ताक़द की गई है कि इसका सवाल किया जाएगा हम क्या सुन रहे हैं किस वक्त सुन रहे हैं किस नीयत के लिए सुन रहे हैं सुन के उससे क्या हम फायदा ले रहे हैं तो कान हमारा वो उज्व है कि जिसमें हमें खास तौर पर अल्लाह की रज़ा को मद्देनजर रखना है कानों के बारे में हमें पता चलता है कि हर साल में एक दफ़ा हमारे कान की पूरी जो एयर आ, अंदर की लेयर है वो चेंज हो जाती है न्यू न्यू कान बन जाते हैं एक लिहाज से हर साल आपका कान नया हो जाता है पूरी तरह तब्दील हो जाता है आपका कान अल्लाह तला ने इसके एयर कैनल के अंदर एक ऐसी छोटी सी यानी 1.3 इंच के साथ अगर हम देखें तो ये साल में 1.3 इंच के साथ बढ़ते बढ़ते इनर कैनाल हमारी बाहर आ सकती है अगर ये साथ साथ खत्म ना हो तो 20 साल तक पहुंचते पहुंचते दो फुट लंबी स्ट्रिंग की तरह ये बाहर लटक जाए जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है अंदर कैनाल बोलते हैं ना ये कान के बाहर जो आपको एक सुराख सा नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आप अपनी फिंगर डाल सकते हैं ये पूरी कैनाल है अंदर तक जो आपके अंदर कैनाल है इसके अंदर जो मुख्तलिफ अज़ा रखे हैं अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश या उनकी नमो या उनकी ग्रोथ इस तरह से होती है कि अगर साल ब साल अल्लाह ताला फ़ितरती अंदाज़ से उसको कवरअप ना करें तो वो हमारे कानों से बाहर लटकी हुई हो और 20 साल तक कितनी लंबी लटक जाए दो फुट लम्बी बाहर की तरफ ग्रो होती है वो और क्योंकि हर साल हमारी कान बदल जाती है न्यू आ जाती है वैसे भी हम इंसान डेली एक नया इंसान होते हैं ना हमारे सेल डेड हो जाते हैं इसीलिए बिस्तर झाड़ने का भी हुक्म है और फिर दोबारा से न्यू सेल्स बन जाते हैं हमारी स्किन की एक लेयर बारीकी से उतर जाती है तीन हड्डियाँ बेसिक ऐसी होती हैं हमारे कान के अंदर जो आवाज सुनने में हमें मदद देती हैं और इसका जो मिडिल एयर का जो मिडिल है उसके अंदर एम एम चॉकलेट से बड़ी नहीं होती वो इतनी छोटी होती है इनर एयर के अंदर जिसके साथ आप अपनी आवाजों को सुन पाते हैं अपने इर्द गिर्द की वॉइस को कैच करते हैं और फिर वो सारा जो डेटा है हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं ये तीन छोटे छोटे उज या हड्डियाँ या मसल्स फिर जो हमारा इनर एयर है इसमें पेंसिल के रेजर जितना सिर्फ पेंसिल के रेजर जितना एरिया होता है एक पेंसिल के रेजर जितना मगर उसके अंदर ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार बाल होते हैं उसके ऊपर अगर ये एक बाल सिर्फ एक पेंसिल के जितना हो तो एक के ऊपर दूसरे को रखते रखते आप फोर्टी थ्री स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं इतने ज्यादा बाल हैं जिसम के सबसे छोटे आपकी बॉडी का सबसे छोटा मसल आपके मिडिल ईयर में है वो एक इंच का भी बीसवा हिस्सा है एक इंच कितना होता है उसका भी ट्वेंटी पार्ट है और इस सारी सेटिंग के अंदर अगर थोड़ा सा माइनर सा भी कोई चेंज या इनबैलेंस हो जाए तो आप सुन नहीं पाते फिर इसी तरह से जो लोग हेडफोन इस्तेमाल करते हैं उनको भी एक लिमिट के अंदर उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक घंटा हेडफोन लगाने से आपके तकरीबन मोर देन 700 हंड्रेड बैक्टीरियाज आपके कान में चले जाते हैं बहुत शौक होता है ना बच्चों को हेडफोन लगा के रखने का कॉल पे बात कर रहे हैं कुछ सुन रहे हैं हम अमूमन कानों से वो बातें सुनना चाहते हैं जो हमारे दिल को अच्छी लगती हैं जो हमारे दिल को भली लगती हैं खा वो हमारे लिए हमारी रूहानी सेहत या इखलाकी सेहत के लिए बेहतर ना भी हों नास की बात या नसीहत की बात कम ही भली लग रही होती है लेकिन ये छोटी सी मशीन अपने अंदर कितनी ज़्यादा टेक्निकल पार रखती है कितना डेटा ट्रांसफर करने की इसके अंदर अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखी है इसकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सब काबिल गौर है कि हम अल्लाह की इस नेमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करें और जरूर फिल्टर लगाएं कि मुझे इसके जरिए अपने अंदर क्या क्या उतारना है क्या लेके जाना है फिर आप ये देखिए कि जो हमारे आ, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं मजहबी इजतम तो आपने देखे होंगे हज की बात अलग है मगर सबसे ज़्यादा जहाँ गैदरिंग्स बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जहाँ इकट्ठे होते हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ के इज्तम होते हैं गैदरिंग्स होती हैं म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स एंटरटेनमेंट के नाम पे लोगों को बहुत कुछ इकट्ठा करके लाइव म्यूज़िक के साथ अगर म्यूज़िकल कंसर्ट्स वगैरह में ऐसे ऐसी जगहों पे स्पीकर के बिल्कुल सामने बैठ के आप उस सारी वॉइस को सुन रहे हैं और ऐसी गैदरिंग में आपका सारा फोकस उसकी तरफ है तो सिर्फ 7.50 मिनट्स में आपके कानों का डैमेज स्टार्ट हो जाता है ये याद रखिए कि कानों का जो डैमेज है जो आपका एयर डैमेज है वो रिवर्सिबल नहीं है इसका इलाज नहीं है अगर आपके कान डैमेज हो जाते हैं तो वो रिवर्सिबल नहीं है आपने देखा होगा कुछ लोग गाड़ियों के अंदर लाउड म्यूजिक लगा के और वो दरवाजे बंद करके और शीशे उनके विंडोज बंद भी हों तो साथ वाली गाड़ियों तक उनकी धमक जा रही होती है ना वो कर रहे होते हैं तो इस सब यानी रसुल्लाम की हदायत मज़हब को आप सामने नीयत को और अल्लाह की रज़ा को तो सामने रख के हमें करना ही चाहिए मगर ये सारी जो गाइडलाइन है ये हमारी जिसमानी सेहत के लिए भी अच्छी है फिर इसी तरह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं घरों में गाड़ियों में छोटे बच्चों के कानों में जो मिडिल ईयर के अंदर सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं वो स्मोकिंग से सिगरेट के धुएं से भी उनमें इन्फेक्शन हो जाता है यानी इतना सेंसिटिव पार्ट है ये आपका कान दूसरों को तकलीफ देने में यह भी आता है ना कि आप शोर ना करें वॉइस पोल्यूशन भी होती है ना आप काम करने में बोलने में उठने बैठने में चीजों को रखने उठाने में ये जो नॉइस पोल्यूशन है इससे आप दूसरों को महफूज रखें ऐसा एक मोमिन वाला अंदाज अपनाएं और हर चीज कान में उंडेलने के लिए तैयार ना रहें फिर कानों के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारा इसका एयर अंदर इनर है वो तो सेंसिटिव पार्ट्स और सारी एक मशीनरी है ही जो बाहर आपको जो नज़र आ रहा होता है कान का हिस्सा उसके भी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सब अब तो साइंस ये भी कहती है रिसर्च ऐसे भी रिसर्च सामने आई हैं जैसे चाइनीज़ हैं उन्होंने कुछ आ, इलाज इस तरह से भी दरियाफ्त किए हैं कि हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जिनको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हैं या सर्जिकल के साथ ही आप उनको उन तक पहुंच सकते हैं उनकी कुछ ना कुछ ऐसे कांटेक्ट हैं आपके कान के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कि चाइनीज़ बकायदा इसके साथ 98 पॉइंट्स बताते हैं कान के अंदर ऐसे हैं मुख्तिक जगहों पे जो डायरेक्ट आपकी बॉडी को वो कर रहे हैं टच कर रहे हैं आपने देखोगा छोटे बच्चों को अगर उनके कानों को सहलाया जाए तो वो सोने लगते हैं आपके कान की जो ये अपर लेयर है ये वाली जो टॉप है टच कीजिए इसको ये वाली जगह जो है दबाने या फिर उसको प्रेस किए बगैर आप लाइट सा उसके ऊपर मसाज भी करते हैं तो ये सेटिस्फेक्शन देता है अगर आप इसको फील करें एक अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि एक दफा तो वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आप अपने एयर की जो टॉप है इसकी इस जगह पे लाइट सा मसाज की थी तो वो कहने लगी हम तो मसा करते हैं और दिन में पाँच मिनट में तो मैं यहाँ पे टच करती हूँ कहते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है आप उसको अच्छे से कीजिए याद रखिए मसा रसोल्लाम ने वजू के अरकान में फ़र्ज़ करार दिया है यानी हमारे लिए मसा जो है वो फ़र्ज़ है अगर आप मसा नहीं करते तो वजू नहीं होता और वजू नहीं करते तो नमाज नहीं होती सुबह कन की जो चोट है वो भी बहुत नुकसान देती है बाज़ात गैर शौरी तौर पे या लामी की बिना पर बच्चों को या किसी तो इस तरह से स्लैप कर दिया जाता है कि वो कान को अंदर तक डैमेज कर सकता है सो बी केयरफुल कि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है फिर आपकी जो कान है अल्लाह ताला ने उनका सिस्टम ऐसा रखा है कि वो एक मखसूस फ्रैक्वेंसी पे ही सुन सकते हैं एक फ्रीकुनसी है एक मखसूस एक डिसमिल पर ही आपको कोई वॉइस आएगी ट्वेंटी हेड्स आपने कभी रेडियो इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ पे आपको वो बता रहे होते हैं कि इतने हेड्स पर हम आपके इस चैनल को आप सेट करें इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है इतनी है तो इंसानी कान की जो फ्रिक्वेंसी अल्लाह ताला ने रखी है वो ट्वेंटी से ट्वेंटी थाउजेंड तक है आप ट्वेंटी हेड्स से नीचे नहीं सुन सकते और ट्वेंटी थाउजेंड से लाउड भी नहीं सुन सकते हैं एक खास फ्रिक्वेंसी है उसी के अंदर रह के आपके कान सुन सकते हैं सब जानवरों की सब जानदारों की सुनने की फ्रिक्वेंसी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रखी है मुझे वो हदीस याद आ रही थी कि रसोल वसलम ने फरमाया कि इंसानों और जिन्नों के अलावा अजाब कबर बाकी सारे जानवर सुनते हैं सारे जानवरों को इंसानों को जो कबर में अजाब दिया जाता है इंसानों और जिनों के अलावा सब खून आवाजें आती हैं ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमारे कान साइड पे रखे अगर ये यहाँ ना होते यहां होते या कहीं और होते तो हम कैसे दिखते या फिर वो फ्रिक्वेंसी कैसे सेट होती कितनी परफेक्ट जगह है कि आप सुन रहे हैं आप देख इधर से रहे हैं आप सुन इधर से रहे हैं और आप बोल इधर से रहे हैं मुख्तु जानवरों के कान मुख्त जगहों पर होते हैं झींगर के कान उनके घुठनों में होते हैं इसी तरह से बिल्ली के कान में 32 मसल्स होते हैं और उसका हर कान हरकत कर सकता है अलग अलग आपने देखा होगा पड़ी वो आप अलग से नरमी से भी पाँव रखें तो वो फौरन से कॉन्शियस हो जाती है यानी एक लिहाज से उसके थर्टी मसल्स होते हैं जो उसको अलार्म कर रहे होते हैं कोई आ रहा है मछली के कान नहीं होते लेकिन फिर भी वो आपको फील कर जाती है क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर जो लेयर होती है उसके कुछ ऐसे रिजिज होते हैं जो पानी की लहरों के साथ जब लहरें टच करती हैं उसको तो उसे आइडिया हो जाता है कि समथिंग अराउंड फिर इसी तरह से बिल्ली के 45 से लेके कर चौंसठ तक 45 से लेके 64 फोर हेड्स तक वो सुन सकती है आपने देखा होगा कि वो दूर तक ऐसे कॉन्शियस हो जाती है कि समथिंग फिर चूहा जो है वो 1000 से लेके नाइन uh, थाउजेंड तक बल्कि नाइन टेन थाउजेंड तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है जिनों के कबर की आवाज़ सब सुनते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे से डिफरेंट है चमगादड़ जो है वो सौ से एक सौ दस तक की फ्रिक्वेंसी से सुन सकता है जितने भी इस तरह के जानवर हैं बिल्ली चूहा चमगादड़ उल्लू जो थोड़ा अंधेरे में भी रहते हैं ये सब कॉन्शियस भी हो जाते हैं जैसे कभी तूफान आ रहा हो बारिश आ रहा हो मौसम ऐसे हो तो आप देखेंगे कि ये आपको नजर नहीं आते ये पहले जज कर लेते हैं चीज़ों को हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला ने सारा सिस्टम रखा हुआ है हमारे अपने अंदर बहुत शोर है और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमारे कानों को इस तरह से डिजाइन किया कि हम अपने अंदर के शोर से ही न घबरा जाए कभी कभार ऐसे अंदर से कोई आवाज आ जाए तो क्या फील आती है कि कि कितनी बड़ी नेमत है हमारी जो मशीनरी कभी आप आ, हार्ट बीट चेक कराने के लिए गए होंगे टेम्परेचर के लिए तो कानों के साथ लगाए या बीबी -बी की जो मूवमेंट किसी एक खास आ, मौके पर अगर उसकी हार्ट बीट चेक करनी पड़े आ, यूट्रिस के अंदर भी तो आपने देखा होगा कि वो कितनी ज्यादा धमक होती है उसकी तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा लीवर काम कर रहा है हमारा हार्ट काम कर रहा है हमारी ब्लड की इतनी सर्कुलेशन कंटिन्यूसली सारी बॉडी के अंदर चल रही है वो सारी की सारी एक नॉइस रखती है लेकिन अल्लाह सुबहाना तला ने हमारे कानों को ऐसे डिजाइन किया है कि हम अपने ही शोर से किसी काम के काबिल ही ना रहें अगर हम वो सुनने लग जाएं इन न समावल बस और फो आदा कुल्लू उला एका कानू एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के बाद कान फट सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है अगर हम ट्वेंटी थाउजेंड से ज़्यादा को सुनने लग जाएंगे एक कौम भी एक चीख़ से हलाक कर दी गई थी ना अख़ज़त नखजत सही उस एक चीख़ की आवाज़ से उस कौम को तबाह किया गया था कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वो इम इन ला तला फरमाते हर चीज़ तस्वीर कर रही है मगर तुम उसकी तस्वीर को समझते नहीं हो उसकी शायद एक रीज़न ये हो सकती है कि हमें खास फ्रिक्वेंसी तक ही सुन सकते हैं अगर दरख्त पौधे पहाड़ सारी चीज़ों की तस्वीर हम सुनने लगे एक वजह यह भी हो सकती है शायद फिर इसी तरह से हमारे एयर इनर के अंदर अल्लाह जो एक वैक्स रखी है ख़ास तौर पे वो भी हमें बैलेंस रखने में और हमारी फ्रीक्वेंसी को सेट रखने में बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव होती है हमें फ़ायदा दे रही होती है इसलिए डॉक्टर्स बार बार कान को साफ करने से भी मना करते हैं कि वो जो एक वैक्स है वो बैलेंस है और जब वो ज़्यादा हो जाती है तो ख़ुद ब खुद अल्लाह तला उसको निकाल देते हैं उसका आ, अल्लाह तला ने इंतजाम किया हुआ है इसलिए आपको बहुत ज्यादा कॉटन बर्ड इस्तेमाल करने से भी मना किया जाता है क्योंकि उसके साथ आपकी वैक्स अंदर पुश हो जाती है तो वो भी हमारे लिए डैमेजिंग हो सकता है अब कुछ लोगों की आपने देखा होगा कि वो कान साफ नहीं भी करते तो बहुत अच्छे से सुन सकते हैं और कुछ हर वक्त कान साफ करते रहते हैं फिर कभी ना ख़ारिश शुरू हो जाती है कभी कोई पेन शुरू हो जाता है कभी ये अल्लाह तला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि वो खुद ही बैलेंस हो रहा होता है अंदर से तो बहरहाल हमारे तमाम जस्मानी अजा अल्लाह ताला ने अपनी अतात और फर्माबरदारी के लिए बैलेंस्ड डिज़ाइन किए हैं वमा खलक सुल जन नवल्लाब उन के मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कुरने पाक में अल्लाह ताल फरमाते अगर वो उनमें खैर पाते तो वो उनको सुनवा ही देते वो अगर उन लोगों में ख़ैर पाता तो उनको सुनवा देता तो बात लोग सुनी अनसुनी भी कर जाते हैं उनके कानों को तोफीक नहीं होती कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके कान सुनते हैं वो गुंगे हैं बहरे हैं अंधे हैं हालांकि कान होते हैं लहुम आजान उनम उनके कान हैं मगर वो सुनते नहीं हैं तो समात की तोफीक भी देने वाले अल्लाह व तआला है ताला हमें दुआ भी सिखाते हैं सल्लम ने अपनी मसनून दुआ में, में बताया ना अल्लाह तो ये समात एक ऐसी नेमत है जो इसको जिसको जिसको अल्लाह इज़्ज़त की अतात में इस्तेमाल करना चाहिए और इसको मामूली नहीं लेना चाहिए कुछ लोग आपने देखा होगा जो बोल और सुन नहीं सकते तो जब वो सुन नहीं सकते ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं वो बोल भी नहीं सकते या जो बोल नहीं सकते वो सुन भी नहीं सकते तो बाजुकात इलाज के तौर पे उनको एक एक आला लगाया जाता है जिसके ज़रिए उनको आवाज़ आती है या फिर वो कम सुनते हैं तो उनको कम सुनाई दे रहा होता है जब वो वो लगा लेते हैं तो उनको ज़्यादा सियासा सुनाई दे रहा होता है तो कोई एक ख़ात शेयर कर रही थी कि वो जो आ, लेके हम जैसे बुजुर्गों को खासतौर पे घरों में वो किया जाता है कि चलें वो आवाज़ अच्छे से सुन लें वो आला फिल्टर नहीं करता कुछ भी फिल्टर किए बगैर वो सुना रहा होता है कोई भी आवाज़ लाउड करके बता रहा होता है तो बुजुर्गों के लिए वो कन्वीनियंट नहीं होता क्योंकि उसमें आवा सांस की आवाज़ हवा का शोर भी आ रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी फिल्टर नहीं करता वो हर तरह की आवाज़ जो है वो सुना रहा होता है तो अल्लाह की कितनी बड़ी नियमत है कि जो कुछ हमारे लिए सुनने के काबिल है अल्लाह ताला हमें सुनवाते हैं वरना इस वक्त भी हवा चल रही है कोई भी नॉइस है हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बादल आ रहे हैं जा रहे हैं सारी कायनात अपना अपना काम कर रही है जमीन घूम रही है हम स्टिल जमीन पे तो नहीं बैठे हुए ना अब तो साइंस की बात प्रूव कर चुकी है कि जमीन घूम रही है और जमीन का घूमना और वो कितना साउंड हो सकता है उसका लेकिन वो हम नहीं सुनते कयामत के दिन भी एक चीख की आवाज़ पर सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर दूसरी चीख की आवाज़ पर सब लोग मर जाएंगे तो जो ये कान है ये उस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा को अल्लाह ताला ने इस तरह से ही डिज़ाइन किए तो इन न समा अवल बसरावल फा कुल्लू उला एक कानू मस हमें ज़रूर देखना चाहिए कि जब हम ये तमन्ना रखते हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व माहिया या व ममाती ला रब्बिलमीन तो मेरे ये सारे अज़ा क्योंकि इन्हीं के साथ हम काम कर रहे हैं उन कामों में हमारे औकात हैं उन औकातों से हमारे दिन हैं महीने हैं साल हैं और वह हमारी ज़िंदगी है ये उससे कुछ अलग चीज नहीं है एक मतबा फिर सुनिए गईबत नहीं सुननी चाहिए चुगली नहीं सुननी चाहिए अपने कानों में भी ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए औरों के कानों में भी अपनी जबानों से ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए उसके बाद है आ, हाथों और पैरों की सफाई हाथों में यह है कि सो के उठते साथ ही रसोल्ला वसलम की सुन्नत हमें यह पता चलती है कि वजू करने से पहले ही हाथों को धोने का हुक्म है यानी सो के उठते ही सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए वजू से पहले फिर तहारत के लिए निजात को साफ करने के लिए दाया हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फिर इसी तरह से ये कि जब आप हाथ धोएं तो हाथों को धोने में उसकी जो सफ़ाई है उसमें उसके जोड़ों को भी अच्छे से धोना चाहिए क्योंकि जोड़ों के ऊपर जो सिलवटें होती हैं समटाइम उसके अंदर डस्ट इकट्ठी हो जाती है या फिर किचन में ख़वाी काम कर रही होती हैं या वैसे भी कोई काम करते हुए या खाना पीना करते हुए कोई चिकनाई कोई ऐसी चीज़ हमारे हाथों को लग जाती है जो सिर्फ़ जल्दी जल्दी वॉश आउट करने से या सिर्फ पानी के साथ धोने से बाज़ात नहीं उतर रही होती तो हाथों को कैसे धोना चाहिए इस तरह से अच्छे से धोना चाहिए कि वो तहारत और नजाफ़त की फील भी आए फिर इसी तरह से आ, हाथ और पाँव दोनों अच्छे से धोना और पाँव को धोने में रसोल्लाम ने क्या फ़रमाया था बुहरा रज़ी की हदीस है ना जिसमें आपने फरमाया वही काबिमिनार कि एड़ियाँ जो हैं वो खुश्क नहीं रहना चाहिए वो एड़ियाँ जिन पर पानी सही तरह से नहीं पहुँचता उनके लिए जहनुम की आँख की वही भी आई है तो वज़ु इस तरह से मुकमल तौर पर करना कि जिसमें वज़ू के तमाम अज़ा अच्छी तरह से साफ हों बाहर से भी और अंदर से भी जैसे मसा भी है ना जैसे हम अभी कानों की बात कर रहे थे कानों के अंदर की जो आ, मसा की आदत है कितने लोग कॉन्शियसली कानों का मसा करते हैं कितने लोगों को सर का और कानों का सही से मसा करना आता है कैसे करते हैं जरा कीजिए हाँ जी उंगली आप अंदर से डालेंगे और उसको अच्छे से घुमाएंगे Uh, बहुत अननेचुरली उसको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है जितना आसानी से आप कर सकते हैं और उसके बाद वो जो राउंड शेप है जहाँ से सारा वो टर्न कर रहा है कान उसको अच्छे से टच करना मसा कैसे करते हैं हम जब हम मसा करते हैं तो अपनी दो उंगलियाँ बचा के रखते हैं ना हम अपने ये, ये दो फिंगर्स जो अंगूठा और ये वाली उंगली इसको हम टच नहीं कर रहे होते हैं ये हमारा वेट ही रहता है कैसे करते हैं जरा कीजिए अभी कर लीजिए जो काम करने का है करिए शाबाश कि जी ऐसे हाँ जी ये वाली उंगली नहीं ये जो आपका अंगूठा है इसको हम अलग रखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे और फिर पीछे तक लेकर जाएंगे और फिर वापस लाएंगे तो ये दो हमारी जी ये बची हुई हैं कान के मसे के लिए आप इसको अंदर डाल रहे हैं और पीछे से यहाँ पे इसको घुमाने के लिए जी इसके अंदर जहाँ जहाँ से टर्न है जो आ रहा है उसको आपने अच्छे से किया आपका अंदर और बाहर कान वेट भी हो गया और मसाज भी हल्का सा हो गया तो हमतें तो सारी पड़ चुके हैं ना और भी बहुत कुछ है, इतने टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है लेकिन अल्लाह की नमतों को नमत समझ के इस्तेमाल करना अच्छा ये सब एक ये है कि हम उसके बेनिफिट्स को देख के कर लें एक ये है कि जब तक वो प्रूव हो हम तब शर सदर के साथ करें और एक ये है कि ये सारी बातें हमारे नबी की सुन्नत है हम सिर्फ इसलिए कर लें मैं सोच रही थी कि ये छोटी 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 चीज़ें हैं कोई पढ़े तो कहे कि ये कैसी बातें बताई जा रही हैं कौन छोटी छोटी बातों में हमें गाइड करता है छोटी छोटी बातों में हमें ज़िंदगी में कौन गाइड करता है बताइए माँ शाबाश माँ बाप करते हैं और ये हमें कौन कर रहा है गाइड हमारे रसूल अलैहि वसल्लम इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान कि जो हमें वालदे ने नहीं सिखाया वो हमारे नबी ने हमें सिखाया है हम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं इसी वजह से कि उन्होंने हमें छोटी छोटी चीजों में गाइड किया है तो जो सुन्नत की नीयत से अगर हम ये काम करेंगे क्या हमें फिजिकल बेनिफिट्स हैं उसके और सेहत के लिए वो अच्छा है और एक ये है कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत क्योंकि उनसे करते हैं और उनकी बात को सिर्फ उनकी सुन्नत की नीयत से कौन करेगा जिसका इस बात पर सदर है कि वो सबसे बड़े हैं वो हमारे सबसे बड़े खैर खां वह हमारे सबसे शफीक उस्ताद हैं उनकी बात उनकी सुनत सिर्फ़ अजर और सुनत और अल्लाह की रज़ा की नीयत से कुल इनकुन तुम तोहबून अल्लाह फ भी नहीं अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए रसलम की अताज उनकी सुन्नत की पैरवी और उसके लिए छोटे 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 काम कर तो वैसे ही रहे हैं नियत क्या है सुन्नत की नियत से चाहे हम मसा कर रहे हैं चाहे हम कानों का मसा कर रहे हैं चाहे हम हाथ धो रहे हैं चाहे हम एड़ियों को दोबारा से गीला कर रहे हैं कह रहे वसम ने फरमाया एड़ी अच्छी तरह से इसी तरह कोहनी <coughs> क्योंकि ऐसे जोड़ जिनके ऊपर सिलवटें पड़ी होती हैं अगर हम उन्हें लाशौरी तौर पर ऐसे धो दें तो बाज़ात जब वो ऐसे हो तो सिलवटों के अंदर खुश्क रह जाए जगह और इसी तरह पाँव पाँव पाँ की भी जो एड़ी है और उसके साथ जो टखने की वो जो एक हड्डी है दाएं तरफ जो निकली हुई होती है बाहर की तरफ जो निकली होती है दोनों पैरों के उसके ऊपर जो सिलवटें हैं और जो एक ख़ास तौर पे जैसे सर्दियों के मौसम में ड्राइनेस सी आ जाती है अगर सिर्फ पानी बहा लेंगे आप तो वो जगह खुश्क रह जाएगी अच्छा इसके लिए डिफरेंट टिप्स भी हो सकती हैं आप कोई पेट्रोलियम जैली या वेजलिन या सबसे बेटर है अगर आप कर सकें जैतून का तेल वो किसी ऐसी जगह पे रख लें जहाँ मैक्सिमम शॉवर लेते हैं या फिर आप वजू करते हैं तो जब आप उस जो पाँव या हाथ जब गीले गीले हैं उन्हीं गीले गीले के ऊपर ही अगर आप वो लगा लेते हैं और उसके बाद वो ड्राई करके आप सॉक्स पहन लेते हैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट जब आप सॉक्स उतारेंगे तो और ज़्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट और साफ़ हुई होगी और वो ड्राइनेस भी कम हुई होगी और जब उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो अगली दफ़ा और ज़्यादा अगली दफ़ा और ज़्यादा ये चेंज आप फील करेंगे तो एक मोमिन कैसा है बाशूर इंसान है और वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाला है अच्छा फिर इसी तरह से रसूलुल्लाह रसूल सदी से आपने फरमाया मेरी उम्मत में खिलाल करने वाले के लिए वाह वाह हु बहुत अच्छे वेरी गुड गुड जॉब और वो खिलाल क्या है कि जब आप पाँव धो रहे हैं तो पाँव की उंगलियों के दरमियान जो फाइव फिंगर्स है ना उनके दरमियान आप उंगली से एक मरतबा ज़रूर वो कर लें और उसको गीली गीली जगह जब वो हो तो उसके ऊपर सॉक्स पहनने से भी बचें क्योंकि उसके साथ वो फिर एलर्जी भी कर सकता है या फिर आपकी जो उंगलियाँ हैं जो स्किन है वो डैमेज होने का खतरा है तो थोड़ा सी तो दीजिए अच्छे से वजू कीजिए और उसके बाद उसको ड्राई करके या उसी गीले गीले के ऊपर भी जब आप कोई ऑयलिंग या वेजलिन या पेट्रोलियम जैली कुछ भी या जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर जब सॉक्स पहनते हैं तो वो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी करने वाली चीज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरा और कामिल वजू तुम्हारे आजाए वजू की चमक को बढ़ाने वाले हैं सुभान अल्लाह ये मफहूम है हदीस है फिर हाथों की सफाई में नाखूनों को अच्छे से तराशना भी शामिल है नाखूनों की सफाई भी शामिल है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाखून को तराशो और फिर फितरत में से जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें रखी हैं आपने फ़रमाया पांच सिफ़ात खिसाल फितरत से हैं ख़तना कराना ज़ेर नाफ़ बाल मूड़ना मूछे काटना और नाखून तराशना और बगल के बाल उखेड़ना तो ये जो नाखून तराशना है ये आप ने इसका हुक्म भी दिया तलकिन भी की मगर हमें तो आज कल आप क्या देखते हैं नाखून तराशना अच्छा लगता है नाखून बढ़ाना नाखून बढ़ाना अच्छा लग रहा होता है देखिए नाखून बढ़ाना और फितरत के साथ रहना इस बात के दरमियान में एक पॉइंट जो है वो हमारे जहनों में अगर वाज़ हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और वो ये कि जयन शैतान हर ऐसा काम जो फ़ितरत से हटा हुआ है शैतान उसको मुजैन करके दिखाता है इतनी अट्रैक्शन बाजूकात उसके अंदर रखता है कि इंसान का दिल करता है मैं करूं और ये करने से ही पता नहीं मैं शायद बहुत स्पेशल लगूंगा या फिर मुझे बहुत एक्सेप्ट uh, किया जाएगा या मेरे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा रिसर्चेस uh, बताती हैं कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और जब नेल्स के ऊपर आप पॉलिश लगा देते हैं तो उससे वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो कुछ ही अर्से बाद बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश इस्तेमाल करने वाले की जो नेल्स हैं वो आपको रूखे फीके और उनकी जो एक नेचुरल शाइन है वो खत्म होना शुरू हो जाती है फिर इसी तरह से नाखून काटने के हवाले से भी इस तरह से कटिंग करनी चाहिए कि आ, उसके अंदर अगर कुछ कभी फंसा हुआ है तो वो सफाई के वक्त पे या सफाई के टाइम पे आप कुछ अच्छे से उसे साफ़ कर पाएं बाजू कटिंग की जाती है लेकिन उस कटिंग को इस तरह से तराशा जाता है कि उसके अंदर कुछ भी फंसना आसानी से पॉसिबल होता है मसलन आपको हुक्म दिया गया कि जो उल्टे हाथ से सारी निजास्त के और सफाई के काम करने हैं और ख़वात ख़ास तौर पर या वैसे भी खाना खाते हुए किचन में जो काम कर रही होती हैं खातन उनके लिए भी मसलन आपने आटा गूंदना है या वैसे भी आपने कुकिंग करनी है वॉट एवर आपने कुछ मैरिनेट करना है और आपके नाखूनों के अंदर कुछ भी नज़र ना आने वाली भी कोई चीज़ रह गई है तो वो क्या होगा वो सारे बैक्टीरियाज़ आपके खाने की चीज़ में चले जाएंगे अगर नाखून साफ ना हो तो वजू भी मुकम्मल नहीं होता वज़ू और नमाज के लिए वज़ू और वज़ू के लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे नाखून हैं वो हड्डी में शामिल है यानी बोट जिसम के जो हमारे पार्ट्स हैं हमारी स्किन है या मीट है जिसम का मसल्स हैं हड्डी है उसमें बॉन्स हैं हमारे पास तो ये नाखून है ये किस में शामिल होते हैं बॉन्स में शामिल होते हैं ना हड्डी है और क्या आप लोग जानते हैं कि जिन्हों की खुराक क्या है हुँ? हड्डियाँ और गोबर और गंदगी वाली जगहों पे वो रहना पसंद करते हैं तो इसलिए ये भी माना जाता है कि इंसानी जिसम में शयातीन के दाखिल होने होने वाली जगहों में एक मेजर जो जगह है वो इंसान के नाखून है तो जितनी जिस जिसके नेल्स जितना या नाखून बड़े होते हैं उनके लिए उतना आसानी का रास्ता बन जाता है इंसानी में दाखिल होने के लिए जैसे आपको जमाई में मुँह के आगे हाथ रखने के लिए, के लिए कहा जाता है ना हमें सुन्नत बताती है कि जमाई के वक्त मुंह को बहुत ज़्यादा ना खोला जाए अंबिया को जमाई नहीं आती थी यह सुस्ती का सिंबल भी है फिर जमाई में यह है कि जब आप आवाज़ निकाल के करते हैं तो शैतान उस पर कहका लगाता है और आपने सुना होगा कि लोग जमाई लेते हुए आवाज़ निकालते हैं तो इस मूमेंट पे शैतान खुश होता है और कहका लगाता है कि मैंने इब्ने आदम को ट्रैप कर लिया तो नाखूनों का बढ़ना नाखूनों का साफ ना होना ये शयातिन की जगह या शयातन या फिर जादू भी ये भी कहा गया है कि जो जादू इंसानी जिस्म पे जल्दी हो सकता है उसमें इंसानी बाल और इंसानी नाखुन शामिल है तो बहुत सारी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि मसनून तरीके से तहारत को इख्तियार किया जाए और छोटे होते से अपने बच्चों में ये चीज़ें लाई जाएँ और उनको अवेयरनेस दी जाए ख़ास तौर पर आप जिन जो आपको महबूब हैं जो आपके प्यारे हैं जिनके लिए आप दिन रात दुआएँ और मेहनतें करते हैं उनके साथ खैर खाही का ताल्लुक क्या है कि आप उनको सारी रूहानी इखलाकी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहने वाले तरीक़े ज़िंदगी की तरफ लाएं। फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के पाँव या इंसान के नाखूनों से उसके जिस्म के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं जैसे सर्दी है या फ्लू है नहाने के बाद जो सरसों के तेल का मसाज करने को कहा जाता है सर्दियों में अगर आप बच्चों को आपने देखा होगा कि मालिश कर रही होती हैं माएँ मसाज कर रही होती हैं तो सरसों का तेल हाथों के नाखूनों में और पाँव के अंगूठों पर लगाना वो आपके दिमाग को तेज़ करने वाली चीज़ है और ये जो मसाज है क्योंकि हमारी जो फिंगर्स हैं अगर आप इस तरह से भी इनको देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो शेप है हमारी सारी नर्व्स आकर वापस यहाँ से जा रही हैं हार्ट तक जो टिप्स हैं इसकी जो फिंगर्स हैं जो हमारे नेल्स हैं ये अल्लाह ताला ने अल्लाह इस तरह से डिजाइन किए हैं कि इनके अंदर टच भी है और इन, सेंस भी है गर्म या ठंडे को फील करते हैं और फिर आप लम्स जो है जैसे इसका जो सेंस है करने का टच करने का जो फील करने का जो सेंस है आप जब किसी को हाथ मिलाते हैं तो हाथ के साथ जब हाथ मुसलमान से मिलके उसको सलाम करना और हाथ के साथ मुसाफिया करने का कहा गया क्योंकि बाय हार्ट जब वो साथ टच कर रहा होता है तो एक अच्छी फील दे रहा होता है हार्ट तक जा रही होती है वो फील तो हाथों पैरों की सफाई नाखूनों का ध्यान अपनी स्किन का ध्यान और उसको फिर अल्लाह की अतात और ख़ैर खाही के कामों में लगाना ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं फितरत के साथ हैं और एक मुस्लिम उम्मत के लिए इनाम है और तमाम इंसानियत के लिए इवन फिर आप अप, अपने हाथों और पैरों को फटने से बचाने के लिए भी जैसे सर्दियों में ख़ास तौर पर उसके लिए क्योर करना चाहिए क्योंकि जब हाथ ये ये वो हाथ हैं जिनको हमने सजदे में ज़मीन पर रखना होता है इन पैरों को हमने ज़मीन पर रखना होता है और हमें हुक्म दिया जाता है कि हमारी हमारी उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो और पैरों की उंगलियों का रुख भी किबले की तरफ हो और फिर उनकी पोजीशन कैसी बनती है इस तरह से कि हमारे नाखून जो हैं वो यानी किबले की तरफ है तो हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि नमाज के वक्त में ये हमारे हाथ और पाँव हमसे पहले झुक जाते हैं तो इनको ऐसी ही शक्ल में होना चाहिए कि जो इबादत के काबिल हों जी आज के लिए इतना काफ़ी है टू तो डू लिस्ट बढ़ाते जाइए अल्लाह अज़ीज़ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته